एवरी हूं बीएससी या बीएससी बीएड पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए है। सेकंड ईयर फिजिक्स के अंदर, ठीक है, फिजिक्स चल सेकंड ईयर में अपने पास फिजिक्स चल रही है, ठीक है। फिजिक्स में पेपर सेकंड अपना चल रहा है गणित के भौतिकी पेपर सेकंड, इसका ये लेक्चर नंबर 16 है, ठीक है। इस लेक्चर में अपन टॉपिक नंबर 6C पढ़ेंगे, नियत पृष्ठीय विभव वितरण वाले गोले के बाहर व अंदर विभव, नियत पृष्ठीय विभव वितरण वाले गोले के नियत पृष्ठीय विभव वितरण वाले गोले के बाहर व अंदर विभव, नियत पृष्ठीय विभव वितरण वाले गोले के बाहर व अंदर विभव, ये आपका टॉपिक नंबर 6C है। क्या है टॉपिक नंबर 6C? नियत पृष्ठीय विभव वितरण वाले गोले के बाहर व अंदर विभव। तो एक तरीके से दो टॉपिक है कि नियत पृष्ठीय विभव वितरण वाले गोले के बाहर विभव और नियत पृष्ठीय विभव वितरण वाले गोले के अंदर विभव। इस टॉपिक के दो पार्ट हुए, एक तरीके से अपन देखें तो क्या क्या हुए, नियत पृष्ठीय विभव वितरण वाले गोले के बाहर विभव, नियत पृष्ठीय विभव वितरण वाले गोले के बाहर विभव, नियत पृष्ठीय विभव वितरण वाले गोले के बाहर विभव, पहला क्वेश्चन का आपका ये है। दूसरा क्वेश्चन है आपका नियत पृष्ठीय विभव वितरण, नियत पृष्ठीय विभव वितरण वाले गोले, नियत पृष्ठीय विभव वितरण वाले गोले के अंदर विभव, नियत पृष्ठीय विभव वितरण वाले गोले के बाहर विभव, और दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका नियत पृष्ठीय विभव वितरण वाले गोले के अंदर विभव, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन है आपका टॉपिक, एक ही टॉपिक के अंदर दो क्वेश्चन बन रहे हैं, नियत पृष्ठीय विभव वितरण वाले गोले के बाहर विभव और नियत पृष्ठीय विभव वितरण वाले गोले के अंदर विभव, ठीक है। तो ये दो, इस टॉपिक के दो पार्ट है, ये आपको दो पार्ट में सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी आप जो है बोर्ड छोटा है इसलिए जो है यहां तक लिख लीजिए, लिख लीजिए एक बार आप टॉपिक का नाम, लिख लिया होगा आपने, आगे चलते हैं।
देखिए आगे, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए कुछ चीजें तो अपन कॉमन लिख लेते हैं, ठीक है। और फिर बाद में अगर मान लो कि आपके दोनों एक साथ आ जाते हैं तो ये कॉमन वाली चीज आपको एक बार लिखनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर मान लीजिए अलग अलग आते हैं तो अलग अलग के हिसाब से कर सकते हैं, तो कुछ चीज अपन जो है कॉमन लिख लेते हैं। देखो अपन लिख रहे हैं कि माना कोई गोला है, माना कोई गोला है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या, माना कोई गोला है जिसकी त्रिज्या, जिसकी त्रिज्या स्मॉल ए है। क्योंकि आपका क्वेश्चन क्या है, नियत पृष्ठ या विभव वितरण वाले गोले के बाहर अंदर विभव, ठीक है। तो अपन को गोला पहले मानना पड़ेगा, तो माना कोई गोला है जिसकी त्रिज्या स्मॉल ए है, ठीक है। आप देखिए, यदि गोले के केंद्र से, यदि गोले के केंद्र से किसी बिंदु की दूरी, यदि गोले के केंद्र से किसी बिंदु P की दूरी, यदि गोले के केंद्र से किसी बिंदु P की दूरी स्मॉल r है, तो यदि गोले के केंद्र से किसी बिंदु P की दूरी स्मॉल r है, तो गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु के लिए, गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु के लिए, गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु के लिए, गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु के लिए r का मान ग्रेटर देन a होगा, ठीक है। गोले के पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु के लिए, गोले के पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु के लिए, गोले के पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु के लिए, गोले के पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु के लिए r इज इक्वल टू a होगा, ठीक है। और गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु के लिए, गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु के लिए, गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु के लिए, गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु के लिए r का मान लेस देन ए होगा, ठीक है। अपन ने क्या माना कि गोले के केंद्र से किसी बिंदु की दूरी p है, तो किसी बिंदु p की दूरी r है, तो सॉरी, गोले के केंद्र से किसी बिंदु p की दूरी r है, तो गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु के लिए r का मान ऐसे ज्यादा होगा, गोले के पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु के लिए r इक्वल टू a होगा, और गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु के लिए r इज लेस देन ए होगा। इधर देखिए, जैसे आपके पास ये कोई गोला है, यहाँ इसका क्या है केंद्र, तो केंद्र है, यहाँ पे कोई बिंदु है p, तो p देखिए आप, तो यहां से यहां तक की दूरी पर मान लेते हैं r, तो इस स्थिति में r की जो वैल्यू है वो a से ज्यादा होगी। a क्या है यहाँ पे, गोले की त्रिज्या है, ठीक है। अगर ये बिंदु यहाँ पर आ जाएगा तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, a के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यदि ये बिंदु यहाँ आ जाएगा तो r की वैल्यू लेस देन ए होगी, ठीक है। तो जो है आप इस तरीके का ये लिख लीजिए और ये डायग्राम बना लीजिए। इनको इस तरीके से पॉइंट के शो कर देना बस। इसके लिए तो आपके पास ये है, इस बिंदु के लिए ये है और इस बिंदु के लिए ये है। डायग्राम बना लीजिए।
देखिए, माना गोले की पृष्ठ पर, माना गोले की पृष्ठ पर विभव वितरण, माना गोले के पृष्ठ पर विभव वितरण निम्न प्रकार है। माना गोले के पृष्ठ पर विभव वितरण निम्न प्रकार है, क्या है? साई आर थीटा इक्वल टू एफ, ठीक है, या जब आर इक्वल टू ए। इसको चाहे इस तरीके से लिखिए, चाहे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साई ए थीटा इक्वल टू एफ थीटा, ठीक है। अगर यहाँ पे आर की आप जगह ए लिख देते हो तो आपको साइड में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो आप साइड में भी इसको बता सकते हैं, ठीक है। ये अपन ने ये प्रश्न अनुसार आ रहा है, ये जो चीज लिखी है अपन ने वो प्रश्न में ये लिखा है कि गोले के पृष्ठ पर विभव वितरण क्या है, नियत है, ठीक है। अब आप देखिए, अब आप अपन को क्या, आपका प्रश्न क्या है, गोले के बाहर व अंदर स्थित किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। तो गोले के बाहर, गोले के बाहर व अंदर विभव का मान ज्ञात करने के लिए, गोले के बाहर व अंदर विभव का मान ज्ञात करने के लिए, गोले के बाहर व अंदर विभव का मान ज्ञात करने के लिए, बाहर व अंदर विभव का मान ज्ञात करने के लिए, गोले के बाहर व अंदर विभव का मान ज्ञात करने के लिए लाप्लास समीकरण, जो कि अपन ने कई बार पढ़ ली है, लाप्लास समीकरण डेल स्पर्श आई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, लाप्लास समीकरण का उपयोग करते हैं, का उपयोग, लाप्लास समीकरण का उपयोग करते हैं गोले के बाहर व अंदर स्थित किसी बिंदु पर विभव का मान ज्ञात करने के लिए लाप्लास समीकरण का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब उतार लीजिए एक बार यहाँ पे, इसको उतार लीजिए, ठीक है। लाप्लास समीकरण का उपयोग करके गोले के बाहर व अंदर विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं अपन, ठीक है। इसलिए होगा अपने समानते हुए मिटा देने हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, अब गोलीय निर्देशांकों में लाप्लास समीकरण, गोलीय, अब लाप्लास समीकरण का उपयोग करेंगे और गोले के लिए अपन इसको कर रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो गोलीय निर्देशांकों में लाप्लास समीकरण, गोलीय निर्देशांकों में लाप्लास समीकरण, जो कि आपका टॉपिक नंबर 6A था, ठीक है। गोलीय निर्देशांकों में लाप्लास समीकरण को हल करने पर हल में आने वाले नियतांकों का मान ज्ञात करने के लिए, हल में आने वाले नियतांकों का मान ज्ञात करने के लिए
नियतांकों का मान ज्ञात करने के लिए, हल में आने वाले नियतांकों का मान ज्ञात करने के लिए निम्न परिसीमा प्रतिबंध, निम्न परिसीमा प्रतिबंधों का उपयोग करते हैं। निम्न परिसीमा प्रतिबंधों का उपयोग करते हैं। हल में आने वाली नियतांकों का मान ज्ञात करने के लिए निम्न परिसीमा प्रतिबंधों का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब इसको भी अपन दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। गोले के बाहर विभव ज्ञात करने के लिए, गोले के बाहर विभव ज्ञात करने के लिए, गोले के बाहर विभव ज्ञात करने के लिए क्या क्या परिसीमा प्रतिबंध होंगे। ठीक है, और इधर की तरफ अपन लिख देते हैं गोले के अंदर विभव ज्ञात करने के लिए, गोले के अंदर विभव, गोले के अंदर विभव ज्ञात करने के लिए, गोले के अंदर विभव ज्ञात करने के लिए क्या क्या परिसीमा प्रतिबंध होंगे, बाहर विभव ज्ञात करने के लिए क्या क्या होंगे और अंदर के लिए क्या क्या होंगे। ठीक है, तो गोले के बाहर विभव ज्ञात करने के लिए जो पहला परिसीमा प्रतिबंध जो है वो ये आप लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं कि अनंत पर विभव का मान गोले के बाहर में, या अनंत यानी कि बहुत ज्यादा दूरी पर चले जाओगे तो अनंत पर विभव का मान शून्य होता है, अनंत पर विभव का मान शून्य होता है। मैंने आपको कई बार बता दिया कि अनंत है ही वो जगह जहां पर विभव नहीं है। ठीक है, तो अनंत पर विभव का मान क्या होता है, शून्य होता है। इसको अपन इस तरीके से भी जो है लिख सकते हैं, साई आर थीटा, ठीक है, साई आर थीटा इक्वल टू जीरो जब आर टेंस टू इंफिनिटी हो। ठीक है, पहला परिसीमा प्रतिबंध जो है ये लगा सकते हो, और दूसरा जो परिसीमा प्रतिबंध इसमें लग जाएगा वो यही वाला लग जाएगा जो अपन ने लिख लिया है, नियत पृष्ठीय विभव वितरण, नियत पृष्ठीय विभव वितरण, नियत पृष्ठीय विभव वितरण होने के कारण, नियत पृष्ठीय विभव वितरण होने के कारण, नियत पृष्ठीय विभव वितरण होने के कारण, साई होने के कारण, नियत पृष्ठीय विभव वितरण होने के कारण साई आर थीटा इक्वल टू एफ थीटा, एक मिनट बोर्ड को थोड़ा नीचे कर रहा हूं मैं, अब दिख जाएगा आपको, ये देखिए साई आर थीटा इक्वल टू एफ थीटा, साई आर थीटा इक्वल टू एफ थीटा जब आर इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये दो परिसीमा प्रतिबंध जो है वो लगेंगे बाहर विभव ज्ञात करने के लिए और गोले के अंदर विभव ज्ञात करने के लिए। पहला परिसीमा प्रतिबंध क्या लगेगा कि गोले के अंदर विभव का मान परिमित होगा, गोले के अंदर विभव का मान परिमित होगा, गोले के अंदर विभव का मान परिमित होगा, अर्थात साई आर थीटा इज इक्वल टू फाइनाइट जब आर टेंस टू जीरो। ठीक है, अंदर के लिए। दूसरा तो ये कहिए लगेगा नियत पृष्ठीय विभव वितरण के कारण, नियत पृष्ठीय विभव वितरण के कारण, नियत पृष्ठीय विभव वितरण, नियत पृष्ठीय विभव वितरण के कारण साई आर थीटा इज इक्वल टू एफ थीटा जब आर इज इक्वल टू ए। लिख लीजिए यहां तक।
अब लिखिए, देखिए गोले के बाहर, नंबर एक गोले के बाहर विभव, गोले के बाहर विभव, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे अपन, गोले के बाहर विभव ज्ञात करने के लिए, गोले के बाहर विभव ज्ञात करने के लिए, गोले के बाहर विभव ज्ञात करने के लिए निम्न लाप्लास समीकरण, लाप्लास गोले के बाहर विभव ज्ञात करने के लिए निम्न लाप्लास समीकरण, निम्न लाप्लास समीकरण का उपयोग करते हैं। क्या होता है लाप्लास समीकरण, डेल स्क्वायर साइन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, समीकरण नंबर एक, ठीक है। और यहाँ पे जो डेल स्क्वायर होता है वो क्या कहलाता है, लाप्लास संकारक, यहाँ डेल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लाप्लास संकारक, ठीक है। अब इसको, इस समीकरण को अगर अपन जो है गोलीय निर्देशांकों में बनाते हैं और गोलीय निर्देशांकों में बनाकर इसका हल करते हैं, ये अपन ने टॉपिक नंबर 6A में पढ़ा था, ठीक है। तो आप इसमें क्या लिखोगे, इस समीकरण को, इस समीकरण को गोलीय निर्देशांकों, इस समीकरण को गोलीय निर्देशांकों, इस समीकरण को गोलीय निर्देशांकों में बनाकर इसका हल करने पर, इस समीकरण को गोलीय निर्देशांकों में बनाकर इसका हल करने पर, इसका हल कर, हल करने पर गोलीय निर्देशांकों में इसका हल, गोलीय निर्देशांकों आर थीटा फाई में इसका हल निम्न प्राप्त होता है, निम्न प्राप्त होता है, गोलीय निर्देशांकों आर थीटा फाई में इसका हल निम्न प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखिए क्या हल होता है, आर थीटा फाई में साई आर थीटा फाई इज इक्वल टू, साई आर थीटा फाई इक्वल टू समेशन एम एन ए एम एन, ए एम एन आर के पावर एन प्लस बी एम एन, ये पहले निकाल रखा है अपने ये सॉल्यूशन, ठीक है, आर के पावर माइनस एन प्लस वन और पी एन एम कॉस थीटा, पी एन एम कॉस थीटा और ई की पावर प्लस माइनस आयोटा एम फाई, ये इसका हल होता है, ये अपन टॉपिक नंबर 6A में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए आप, ये आप चाहते तो यहां से भी लिख सकते थे कि गोलीय निर्देशांक को आर थीटा फाई में इसका हल निम्न प्राप्त होता है, चाहे इसे पूरी लाइन, पूरे लाइन भी लिख सकते हो, लिख लीजिए आपके जैसे जैसे।
अब अपन ने जैसे पहले को देखा था दिगंत से सममिति होने पर, जो दिगंत से सममिति होने पर m इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो आप लिखोगे इस समस्या में, समस्या मतलब टॉपिक एक तरीके से, इस समस्या में दिगंत से सममिति होने के कारण, इस समस्या में दिगंत से सममिति होने के कारण विभव दिगंत से कोण फाई, दिगंत से कोण फाई पर निर्भर नहीं करता है, दिगंत से कोण फाई पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात एम इक्वल टू 0, ठीक है। तब साई आर थीटा फाई जो है उसको अपन केवल साई आर और थीटा ही लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, केवल साई आर थीटा, ठीक है। तब साई आर थीटा इक्वल टू क्या आएगा, समेशन एन ही रह जाएगा, एन आर की पावर एन प्लस बी एन आर की पावर माइनस का एन प्लस वन, ठीक है। और पी एन ये हट जाएगा एम, और पी एन एम कॉस थीटा, और ये ई की पावर जीरो, ई की पावर जीरो का मतलब कितना होता है, वन, ठीक है। तो आपके पास ये हो जाएगा समीकरण नंबर एक पहले आ गई, तो ये समीकरण नंबर दो हो जाएगा, ठीक है। ये समीकरण नंबर दो। तो यहां पर जो ए एन और बी एन जो नियतांक है, इनका मान जो आपके पास परिसीमा प्रतिबंध है दो, उनसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिख दोगे, यहां नियतांक को ए एन व बी एन का मान, ए एन व बी एन का मान परिसीमा प्रतिबंधों से ज्ञात करते हैं, परिसीमा प्रतिबंधों से, परिसीमा प्रतिबंधों से ज्ञात करते हैं, परिसीमा प्रतिबंधों से ज्ञात करते हैं। लिख लीजिए, दो समीकरण आपके पास आ गए, अपन जो है परिसीमा प्रतिबंध लगाएंगे। नंबर एक, अनंत पर विभव का मान, अनंत पर विभव का मान शून्य होता है, अनंत पर विभव का मान क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। अर्थात साई आर थीटा इक्वल टू 0 जब आर टेंस टू इंफिनिटी। अब साइन आर थीटा की वैल्यू क्या है, समेशन एन ए एन आर की पावर एन प्लस बी एन आर की पावर माइनस एन प्लस वन, और पी एन कॉस थीटा इक्वल टू 0 जब आर टेंस टू इंफिनिटी।
इन्फिनेटिव। भाई साइन आर थीटा इक्वल टू जीरो जब आर टेंस टू इन्फिनेटिव, साइन की जगह ये तो ये जीरो होगा तब आर की वैल्यू आप क्या रख दोगे, इन्फिनेटिव रख दोगे। ठीक है, तो यहां से देखिए ए एन आर की जगह इन्फिनेटिव, अब देखिए अब आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है साइड में क्योंकि आपने आर की जगह इन्फिनेटिव रख दिया है। अब सुनिए एक बार देखिए, इनकी वैल्यू जो है क्या आनी चाहिए, जीरो। अब जीरो आनी चाहिए तो या तो ये जीरो या ये जीरो होनी चाहिए। ठीक है, अब ये जीरो तब होगा, देखिए इसकी वैल्यू तो जीरो बन रही है, ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू जीरो नहीं बन रही है क्योंकि ये इन्फिनेटिव की पावर एन करेंगे तो इन्फिनेटिव रहेगा। ठीक है, तो यहां पर जो है ये जीरो तब बनेगा जब ए एन की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, इससे यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि ए एन जीरो होना चाहिए, ए एन जीरो होना चाहिए। लिख लीजिए, अब आप क्या करोगे, अब समीकरण नंबर दो में आप ए एन का मान रख दोगे, ठीक है, और समीकरण नंबर तीन आ जाएगा। समीकरण दो में ए एन का मान रखने पर, समीकरण दो में ए एन का मान रखने पर, ठीक है, रखिए मान ए एन का, तो आपके पास साइन आर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, समीकरण नंबर दो क्या है, यहां पे ए एन आर की पावर एन, तो ए एन वाली टर्म हट जाएगी, आपके पास क्या आ जाएगा, बी एन आर की पावर माइनस एन प्लस वन और पी एन कॉस थीटा। ठीक है, ये हो जाएगी समीकरण नंबर तीन, ए एन का मान रख दिया तो ये आपके पास कौन सी समीकरण आ जाएगी, समीकरण नंबर तीन। अब आपके पास एक नियतांक हट गया है ये और एक ही नियतांक बचा है, समीकरण तीन जो है समीकरण नंबर दो से ज्यादा बेटर है, इसमें एक ही नियतांक बचा हुआ है, अब आपको इस समीकरण को काम में लेना है। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे आप बी एन का मान ज्ञात करने के लिए जो दूसरा परिसीमा प्रतिबंध है उसका उपयोग करते हैं, बी एन का मान ज्ञात करने के लिए, बी एन का मान ज्ञात करने के लिए
दूसरे परिसीमा प्रतिबंध, दूसरे परिसीमा प्रतिबंध का उपयोग करते हैं, का उपयोग करते हैं जो कि दूसरे परिसीमा प्रतिबंध का उपयोग करते हैं जो कि निम्न है। क्या है दूसरा परिसीमा प्रतिबंध? साई आर थीटा इज इक्वल टू, साई आर थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या है? एफ थीटा। साई आर थीटा इक्वल टू एफ थीटा जब आर इज इक्वल टू ए। अब आपके पास साई ये वाला रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है? तो आपके पास साई की जगह क्या आ जाएगा? बी एन आर की पावर माइनस एन प्लस वन पी एन कॉस थीटा इक्वल टू एफ थीटा। अभी आपने आर की वैल्यू रखी नहीं है, इसलिए साइड में अपन आर इक्वल टू ए जो है बताएंगे, ठीक है? अब आप रख दीजिए इसकी वैल्यू बी एन, ठीक है, ए की पावर माइनस एन प्लस वन और पी एन कॉस थीटा इक्वल टू एफ थीटा। तीन समीकरण पहले आ गए, इसको कह देंगे समीकरण नंबर चार। लिख लीजिए ठीक है। समीकरण चार ये आ गए हैं, ठीक है? अब देखिए, अब आप माना कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स, इसको अपन कह देते हैं समीकरण नंबर पांच। अब समीकरण पांच से चार में मान रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा, समीकरण पांच से चार में मान रखने पर ये हो जाएगा समीशन एन बी एन ए की पावर माइनस एन प्लस वन पी एन और कॉस थीटा की जगह क्या लिख दोगे? एक्स, ठीक है, इक्वल टू एफ थीटा। समीकरण नंबर छह, ठीक है। अब समीकरण छह के दोनों तरफ, समीकरण छह के दोनों तरफ पी एम एक्स, पी एन एक्स यहां रहे तो पी एम एक्स,
से गुणा करके समीकरण 6 के दोनों तरफ पी एम एक्स से गुणा करके एक्स इक्वल टू पी एम एक्स से गुणा करके एक्स इक्वल टू माइनस एक से प्लस एक के बीच एक्स इक्वल टू माइनस एक से प्लस एक के बीच समाकलन करने पर माइनस एक से प्लस एक के बीच समाकलन करने पर ठीक है ये प्रोसेस अपनाएंगे अपन। देखिए समीकरण छह के दोनों तरफ पी एम एक्स से गुणा करिए। पहले आप एक बार गुणा कर दीजिए। इधर देखिए बी एन ए की पावर माइनस एन प्लस वन पी एन एक्स और इसमें गुणा किससे करना है अपन को पी एम एक्स से ठीक है और माइनस एक से प्लस एक के बीच क्या करना है समाकलन। तो ये LHS का काम हो गया। RHS में भी माइनस एक से प्लस एक एफ थीटा और पी एम एक्स और टी एक्स ठीक है इस ये आ जाएगा आपके पास ठीक है। अब यहां तक लिख लीजिए पहले एक बार आप अब देखना ये कांस्टेंट है ये जो है समाकलन के बाहर आ सकते हैं ठीक है तो इनको बाहर ले लेंगे मन देखिए इसको बाहर ले लेंगे तो जाएगा समेशन एन बी एन ए की पावर माइनस एन प्लस वन ठीक है और माइनस वन टू प्लस वन और पी एन एक्स पी एम एक्स ठीक है और डी एक्स इक्वल टू छह समीकरण आपके पास पहले आ गए हैं ठीक है तो इसको अपन कह देंगे समीकरण नंबर 7। ये समीकरण 6 पहले आ गए तो ये हो गया समीकरण नंबर 7। अब देखिए लेजेंड्रे बहुपद के लांबिकता गुणधर्म से लेजेंड्रे बहुपद के लांबिकता लेजेंड्रे बहुपद के लांबिकता गुणधर्म से इस समाकलन का मान क्या होगा माइनस वन से प्लस वन और पी एन एक्स पी एम एक्स डी एक्स इसका मान क्या होगा टू अपॉन टू एन प्लस वन और ये क्रोनिक का डेल्टा एन एम ठीक है। अपन जानते हैं कि क्रोनिक का डेल्टा के केवल दो मान होते हैं या तो मान होता है क्या जीरो या होता है वन तो इसके कितने मान हो जाएंगे दो मान हो जाएंगे इसके ठीक है दो मान कौन इस ए या तो जीरो या वन जो जीरो होगा तो ये पूरा इसका मान क्या हो जाएगा इक्वल टू जीरो। जीरो तो कब होगा जब एन और एम दोनों बराबर नहीं होंगे जब एन और एम दोनों बराबर
नहीं होंगे। अगर n और m दोनों बराबर हैं तो डेल्टा एन एम की वैल्यू कितनी होगी, 1। क्रोनिक का डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी, 1, ठीक है। और 1 को इससे गुणा करेंगे तो अपने पास ये क्या आ जाएगा, 2/2n+1। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/2n+1, ठीक है। ये कब है, जब n और m दोनों बराबर है। समीकरण नंबर इसको अपन कह देंगे 8, लिख लीजिए। अब लिखिए, अब अपन क्या करेंगे, समीकरण 7 में समीकरण 8 से मान रखेंगे, ठीक है। समीकरण 7 में समीकरण 8 से मान रखने पर, समीकरण 7 में समीकरण 8 से मान रखने पर, जब m इक्वल टू n हो, कब, जब m इक्वल टू क्या हो, n हो, ठीक है। तो रखिए मान समेशन n bn, ठीक है, a की पावर माइनस n प्लस 1, ठीक है, a की पावर माइनस n प्लस 1, ठीक है। और फिर यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास, 2/2n+1, समाकलन का मान रख देंगे, इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, ये जो आपके पास समाकलन है माइनस वन से प्लस वन, ठीक है, एफ थीटा और पी एन, एन वो एम था पर एम की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन ही हो जाएगा, तो इसको एन रख दीजिए, पी एन एक्स और डी एक्स, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। यहां से देखिए, अब देखिए आगे ये हो गया, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखिए, अपन को किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बी एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये जो चीजें हैं ये नीचे आ जाएंगी, तो बी एन इक्वल टू आपके पास हो जाएगा ए की पावर एन प्लस वन, ये नीचे आएगी जो ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, और ये हो जाएगा 2n+1/2, ठीक है, और माइनस वन से प्लस वन, एफ थीटा पी एन एक्स और dx, आपके पास 8 समीकरण नंबर पहले आ गए, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 9, ठीक है। तो लिख लीजिए एक बार यहां तक, समीकरण नंबर 9 तक, समीकरण नंबर 9 तक लिख लीजिए एक बार। अब देखिए ये जो चर है x, ये आप अपन ने बीच में माना था, तो अब इसको रिप्लेस करना जरूरी है, ठीक है। तो इसको यहां से हटाएंगे, तो cos थीटा इक्वल टू x माना था, यानी कि यहाँ पे जो x है उसका मतलब क्या है, cos थीटा है, ठीक है। तो x की जगह cos थीटा रख देंगे, और dx की जगह क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ sin थीटा d थीटा, ठीक है। तो समीकरण 9 में जो है bn का जो मान है उसको थोड़ा और वो करेंगे। देखिए चूंकि x इक्वल टू तो है cos थीटा, और तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ sin थीटा d थीटा, ठीक है। तो x की जगह cos थीटा और dx की जगह माइनस sin थीटा d थीटा, फिर लिमिट भी चेंज होगी, लिमिट क्या बनेगी, देखिए लिमिट, लिमिट में जब x इक्वल टू माइनस वन है तो cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस वन, तो थीटा इक्वल टू क्या बनेगा बच्चों, पाई, ठीक है। और
जब x इक्वल टू प्लस वन है तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस वन और थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा जीरो डिग्री। ठीक है, तो आपके पास ये और ये इन दोनों को अपन इसमें रखेंगे तो आपके पास bn क्या आ जाएगा, bn आ जाएगा आपके पास समीकरण 9 से, समीकरण 9 से bn इक्वल टू a की पावर 2n प्लस 1 सॉरी n प्लस 1 a की पावर n प्लस 1 2n प्लस 1 नहीं n प्लस 1। ठीक है, और ये हो जाएगा 2n प्लस 1 अपॉन 2। यहां तक तो कोई मान रखाना आएंगे नहीं। ठीक है, मान कहां पे रखे कहेंगे अब रखाना आएंगे, लिमिट जो है वो कहां से कहां तक हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी आपकी पाई से जीरो। ठीक है, और एफ थीटा था तो एफ थीटा को तो एफ थीटा ही रहने दीजिए। ठीक है, एफ थीटा को एफ थीटा रहने दीजिए और यहाँ पे क्या था पी एन एक्स की जगह क्या लिख दोगे कॉस थीटा और डी एक्स की जगह क्या लिख दोगे माइनस साइन थीटा डी थीटा, माइनस साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, ये आ गया आपके पास, क्लियर। अब इसमें क्या होगा देखिए, बी एन इक्वल टू ये क्या आ जाएगा यहाँ पे a की पावर 2n ओ सॉरी 2n प्लस 1 नहीं है n प्लस 1 है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, ये देखिए उस माइनस को काम में ले लीजिए और ये लिमिट हो जाएगी जीरो से पाई। ठीक है, और f थीटा pn cos थीटा और sin थीटा d थीटा ये आपकी bn की वैल्यू हो जाएगी। इसको अपन कह देंगे समीकरण नंबर 9 पहले आ गए हैं तो समीकरण नंबर 10 हो जाएगा। समीकरण 3 में bn का मान रखकर गोले के बाहर किसी बिंदु, गोले के बाहर किसी बिंदु पर विभव का मान ज्ञात किया जा सकता है, विभव का मान ज्ञात किया जा सकता है। समीकरण 3 क्या है आपके पास, समीकरण 3 है साई आर थीटा इक्वल टू समेशन एन बी एन आर की पावर माइनस एन प्लस 1 और पी एन कॉस थीटा।
ये आपके पास समीकरण नंबर क्या है, तीन। ठीक है, ये समीकरण नंबर तीन है। अब इसमें अपन जो है ये वाला बी एन का मान रख देंगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा, साइन आर थीटा इक्वल टू, यहां से देखिए समेशन एन, बी एन की जगह क्या आ जाएगा, ए की पावर एन प्लस वन। ठीक है, ए की पावर एन प्लस वन, टू एन प्लस वन अपॉन टू और जीरो टू पाई एफ थीटा पी एन कॉस थीटा, पी एन कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा, ये हुई पी एन की वैल्यू, और आर की पावर माइनस एन प्लस वन, आर की पावर क्या हो जाएगा, माइनस एन प्लस वन। ठीक है, ये तो वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू तो अभी तक पूरी की पूरी किसकी है, ये पी एन की वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक की, ये हो गई आर की पावर माइनस एन प्लस वन और पी एन कॉस थीटा, पी एन कॉस थीटा, ये है पी एन कॉस थीटा। ठीक है, तो इसमें मान रख दिया अपन ने और ये आपके पास आ गया है। ठीक है, तो इसको अपन थोड़ा सा और अरेंज कर सकते हैं, देखिए ये क्या हो जाएगा, साइन आर थीटा इक्वल टू समेशन एन। ठीक है, ए की पावर एन प्लस वन और वहां पे आर की पावर और माइनस एन प्लस वन, तो ए अपॉन आर हो जाएगा ये, तो ए अपॉन आर की पावर हो जाएगी अपने पास एन प्लस वन, दोनों स्टेप्स क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा टू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन अपॉन टू, ये हुआ टू एन प्लस वन अपॉन टू, और आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा ये जो है पी एन कॉस थीटा, पी एन कॉस थीटा बाहर आ जाएगा ये भी, क्योंकि ये तो अलग से, ये देखिए आप ये पूरा एक मान है, ये अलग है। ठीक है, तो पी एन कॉस थीटा ये आ जाएगा, पहले लिख दीजिए इसको, और ये आपके पास हो जाएगा जीरो से पाई एफ थीटा पी एन कॉस थीटा, ठीक है, और साइन थीटा और डी थीटा, ये वैल्यू हो गई। गोले के बाहर किसी बिंदु पर भी, समीकरण नंबर 11 लिख लीजिए। तो 11 समीकरणों में आपने गोले के बाहर किसी बिंदु पर विभव का मान ज्ञात कर लिया है। अब इसी प्रकार जो है सेम प्रक्रिया से अपन 11 समीकरणों में ही गोले के अंदर विभव का मान ज्ञात करेंगे। अब जो परिसीमा प्रतिबंध है, वो पहला नंबर वाला जो परिसीमा प्रतिबंध है वो चेंज हो जाएगा, दूसरा वाला तो वही है। ठीक है, तो अब पहला वाला जो परिसीमा प्रतिबंध है वो चेंज हो जाता है बस, और कुछ अंतर नहीं आता है। उसकी वजह से जो है नियतांक जो है उनका मान परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन जो प्रक्रिया है प्रक्रिया ही रहेगी, समीकरण उसमें भी 11 ही आएंगे।
लिख लीजिए। अब दूसरा नंबर है गोले के अंदर व्यव। गोले के अंदर व्यव, तो इसमें देखिए आपने उस टॉपिक नंबर एक में लिखा था कि गोले के बाहर किसी बिंदु P पर विभव ज्ञात करने के लिए निम्न लाप्लास समीकरण का उपयोग करते हैं। पहले उस टॉपिक को जो लिख रखा है उसको देखिए आप, शुरू हमें आपने अपने देखिए जहां पर आपने लिखा है, तो उसमें लिखा है अपन ने कि गोले के बाहर किसी बिंदु P पर विभव का मान ज्ञात करने के लिए निम्न लाप्लास समीकरण का उपयोग करते हैं। समीकरण नंबर एक दे दिया था, ठीक है। फिर उसमें अपन ने लिखा था कि इस समीकरण को गोलीय निर्देशांकों में बनाकर, गोलीय निर्देशांकों में बनाकर और इसे हल करने पर जो नियतांक आते हैं, इसे हल करने पर गोलीय निर्देशांकों में इसका हल निम्न प्राप्त होता है। फिर साई आर थीटा की साई आर थीटा फाई की वैल्यू आई थी। फिर अपन ने लिखा था दिगंसी सममिति के कारण जो साई है वो दिगंसी कोण फाई पर निर्भर नहीं कर रहा था, ठीक है। और एम तो अपन ने एम की वैल्यू जीरो कर दी थी। एम की वैल्यू जीरो करने पर आपके पास जो है साई आर थीटा, एम की वैल्यू जीरो कर दिया और साई किस किस का फंक्शन हो जाएगा, साई आर थीटा फाई इक्वल टू केवल साई आर थीटा ही रह रहा था, और ऐसे करके समीकरण नंबर दो आ गया था। तो आप समीकरण नंबर शुरू से लेकर समीकरण नंबर दो तक जो आ रहा है वो का वही आपको लिखना है। बस शुरू में आपको ये जो बाहर शब्द है उसको अंदर से क्या करना है, प्रतिस्थापित करना है। तो आप क्या लिख दोगे कि गोले के अंदर विभव ज्ञात करने के लिए, गोले के अंदर विभव ज्ञात करने के लिए निम्न लाप्लास समीकरण का उपयोग करते हैं। फिर समीकरण नंबर एक और यहां तक समीकरण नंबर दो तक साइन आर थीटा इक्वल टू समेशन एन ए एन आर की पावर एन प्लस बी एन आर की पावर माइनस एन प्लस वन, ठीक है, और टी एन कॉस थीटा, ठीक है। ये आपके समीकरण नंबर दो। ये क्या बाहर शब्द को आप अंदर लिख देना, ठीक है, वो वहां पे गोले के बाहर लिखा था, यहाँ पे गोले के अंदर, और शुरू से लेकर समीकरण नंबर दो तक वो का वो लिख लीजिए कि गोले के अंदर विभव ज्ञात करने के लिए लाप्लास समीकरण का उपयोग करते हैं, वो सारी जो चीजें हैं वो ऐसे कैसे लिख लीजिए, और ये आपके पास समीकरण नंबर दो आ जाए। बस कुछ भी अंतर नहीं आएगा, एक शब्द में परिवर्तन करना है। यहाँ पे लिखा था गोले के बाहर किसी बिंदु की पर, यहाँ मैं अंतर केवल और केवल जो परिवर्तन करना है वो आपको ये करना है कि बाहर को आप अंदर लिख दीजिए, बस। अब देखिए अब अपन ए एन व बी एन का मान ज्ञात करने के लिए, ए एन व बी एन का मान ज्ञात करने के लिए परिसीमा प्रतिबंधों का उपयोग करते हैं। परिसीमा प्रतिबंधों का उपयोग
करते हैं, परिसीमा प्रतिबंधों का उपयोग करते हैं। और वही दोनों परिसीमा प्रतिबंध लगाकर जो है अपन नियतांकों का मान ज्ञात करेंगे। लिख लीजिए, देखिए पहला परिसीमा प्रतिबंध क्या था कि साई आर थीटा का मान परिमित होना चाहिए जब आर की वैल्यू टेंस टू जीरो हो। ठीक है, अब साई आर थीटा आपके पास क्या है, समीकरण दो से समेशन एन ए एन आर की पावर एन होता है, ए एन आर की पावर एन प्लस डी एन आर की पावर माइनस एन प्लस वन। ठीक है, ए एन आर की पावर एन प्लस बी एन आर की पावर माइनस एन प्लस वन, और यहां पे पी एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एक परिमित मान आना चाहिए। ठीक है, जब आर टेंस टू जीरो हो। अब आर की वैल्यू आप जीरो रखिए, देखो आप ए एन जीरो की पावर एन प्लस बी एन जीरो की पावर माइनस एन प्लस वन। ठीक है, और पी एन कॉस थीटा इज इक्वल टू परिमित मान। अब सुनिए, देखो आप यहां पे अगर जीरो की पावर माइनस एन प्लस वन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन जीरो की पावर एन प्लस वन। इसको कैसे लिख सकते हैं, वन अपॉन जीरो की पावर एन प्लस वन। ठीक है, और वन अपॉन जीरो कितना होता है, इन्फिनेटिव होता है। ठीक है, तो ये इन्फिनेटिव हो जाएगा तो इसमें जुड़ेगा इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इसको परिमित तब रह सकता है जब बी एन का मान क्या हो, जीरो। इससे निष्कर्ष प्राप्त होता है कि इससे निष्कर्ष प्राप्त होता है कि बी एन का मान जीरो होना चाहिए। किसका मान जीरो होना चाहिए, बी एन का। तो साई आर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, साई आर थीटा इक्वल टू समेशन एन ए एन आर की पावर एन प्लस बी एन वाली जो टर्म है वो हट जाएगी। ठीक है, ए एन आर की पावर एन और पी एन कॉस थीटा। ठीक है, एन कॉस थीटा, इसको आप कह देंगे समीकरण नंबर तीन। समीकरण नंबर कौन सी आ जाएगी, तीन हो जाएगी। लिख लीजिए, लिख लीजिए अब यहां पे जो नियतांक है ए एन, उसका मान ज्ञात करने के लिए दूसरे परिसीमा प्रतिबंध का उपयोग करते हैं।
नियतांक, an का मान ज्ञात करने के लिए नियतांक an का मान ज्ञात करने के लिए, नियतांक an का मान ज्ञात करने के लिए दूसरे परिसीमा प्रतिबंध, दूसरे परिसीमा प्रतिबंध का उपयोग करते हैं, दूसरे परिसीमा प्रतिबंध का उपयोग करते हैं जो कि निम्न है, दूसरे परिसीमा प्रतिबंध का उपयोग करते हैं जो कि निम्न है, ठीक है। दूसरा परिसीमा प्रतिबंध क्या है आपके पास, साइन आर थीटा इक्वल टू एफ थीटा जब आर इक्वल टू ए। अब आप समीकरण नंबर तीन को काम में लोगे तो साइन आर थीटा की जगह क्या लिख दोगे आप, समेशन एन ए एन, आर की जगह क्या लिख दोगे, ए की पावर एन, और पी एन कॉस थीटा इक्वल टू एफ थीटा, समीकरण नंबर चार। अब माना कॉस थीटा इक्वल टू एक्स, समीकरण नंबर पांच, ठीक है। तो आपके पास क्या जाएगा, ए एन ए की पावर एन पी एन एक्स इक्वल टू एफ थीटा, समीकरण नंबर छह। उतार लीजिए, समीकरण छह के दोनों तरफ पी एम एक्स से गुणा करके, समीकरण छह के दोनों तरफ पी एम एक्स से गुणा करके एक्स इक्वल टू माइनस एक से प्लस एक के बीच समाकलन करने पर माइनस एक से प्लस एक समीकरण नंबर सात। एक मिनट एक काम करिए, समीकरण सात देने से पहले इसको बाहर निकाल लीजिए, इन दोनों को माइनस एक से प्लस एक पी एन एक्स और पी एम एक्स डी एक्स इक्वल टू इसको दे आप समीकरण नंबर सात। अब इसमें वही लेजेंड बहुपद का लंबकता गुणधर्म, समीकरण नंबर आठ, फिर आठ से सात मान रख दोगे समीकरण नंबर नौ, फिर एक्स को थीटा के फॉर्म में बना दोगे वो समीकरण नंबर दस,
अब देखिए लेजेंड्री बहुपद के लंबितता गुणधर्म से लेजेंड्री बहुपद के लंबितता गुणधर्म से लेजेंड्री बहुपद के लंबितता गुणधर्म से क्या होता है? इस समाकलन के कितने मान होते हैं? दो मान होते हैं, 2/2n+1 और ये क्रोनिकर डेल्टा। जब n और m बराबर नहीं है, m और n बराबर नहीं है, जब m और n बराबर है, ठीक है, इसको समीकरण नंबर कौन सा कह देंगे अपन? 8। फिर आप क्या कह दोगे? समीकरण 7 में समीकरण 8 से मान रखने पर, कब? जब m इक्वल टू n हो, जब m इक्वल टू n हो तब मान रखने पर। तो ये आपके समीकरण नंबर 7, इसको भी लिख देना वापस से, इसके बाद में ये इसी क्रम में आ जाएगा, जुड़ जाएगा ये, और ये हो जाएगा मान आपका an a की पावर n, इसका मान हो जाएगा 2/2n+1, ठीक है, इक्वल टू यहां देखिए -1 से +1 f थीटा, m की जगह क्या लिख दो? m, क्योंकि दोनों को बराबर लिया ना मैंने। अब यहां से आप an की वैल्यू निकाल लो, समीकरण नंबर 9 आ जाएगा, फिर जो है उसको किसमें चेंज करोगे अपन? थीटा में चेंज कर लेंगे समीकरण नंबर 10। फिर समीकरण 10 में जो an का मान आएगा उसको अपन समीकरण नंबर 3 में रख देंगे और समीकरण नंबर 11 आ जाएगा, वही गोले के अंदर योग का मान होगा। उतार लीजिए एक बार यहां तक, आप एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये ए की पावर -n हो जाएगा, ठीक है, ये समीकरण नंबर 9। अब चूंकि x इक्वल टू cos थीटा, तो dx इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास? -sin θ d θ, और लिमिट सेम वो की वो प्रक्रिया है, जब x इक्वल टू -1 है तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? cos थीटा इक्वल टू -1 और थीटा इक्वल टू पाई, ठीक है। जब एक्स इक्वल टू +1 है तो
अब आप ये मान, ये जो मान है ये इसमें रख देंगे। लिखिए ठीक है, इस माइनस को काम लेके की लिमिट कहां से कहां तक कर दो, 0 से पाई। समीकरण नंबर 10, समीकरण 10 लिख लीजिए। समीकरण 10 के बाद में मैं आपको लिखवाऊंगा वही लाइन जैसे अपने वहां लिखी थी। समीकरण 10 लिखने के बाद आप लिखेंगे कि समीकरण 10 से an का मान समीकरण 3 में रखकर, समीकरण 10 से an का मान समीकरण 3 में रखकर गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु पर विभव का मान ज्ञात किया जा सकता है। समीकरण 10 से an का मान समीकरण 3 में रखकर गोले के अंदर किसी बिंदु पर विभव का मान ज्ञात किया जा सकता है। एवं लिखिए समीकरण 3 में एन का मान रखकर गोले के अंदर, समीकरण 3 में एन का मान रखकर गोले के अंदर
किसी बिंदु पर विभव का मान ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज लिखने के बाद, ये जो लाइन मैंने बोली है वो आपको लिखनी है, उसके बाद आप और लिखिए, एवं समीकरण तीन निम्न है। समीकरण तीन क्या है? साई आर थीटा इक्वल टू, साई आर थीटा इक्वल टू समेशन एन ए एन, समेशन एन ए एन, ठीक है, और आर की पावर एन पी एन कॉस थीटा, आर की पावर एन पी एन कॉस थीटा। समीकरण तीन आपके पास ये है, इसमें आप ये वाला मान रखो आप, तो आपके पास साइन आर थीटा इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा, देखिए समेशन एन ए की पावर माइनस एन, ठीक है, और टू एन प्लस वन अपॉन टू जीरो टू पाई एफ थीटा पी एन कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। ये तो अपन ने किसका मान रख दिया, इस ए एन का, और फिर आर की पावर एन पी एन कॉस थीटा। अब इसको अपन जो है और व्यवस्थित कर लेंगे, ठीक है, और ज्यादा व्यवस्थित करेंगे इसको, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए आप ए और आर इन दोनों को एक साथ ले सकते हैं, तो आर अपॉन ए की पावर एन हो जाएगा, ये आर अपॉन ए की पावर एन, तो ये हो जाएगा आपके पास। देखिए इसको मैं इसी में कर देता हूं, क्या हो जाएगा, ये आर अपॉन ए की पावर एन और टू एन अपॉन टू एन प्लस वन अपॉन टू जीरो टू पाई, और यहां पे एक चीज और लिख देना पी एन कॉस थीटा, ठीक है, ये आपके समीकरण नंबर 11 आ गया। तो ये टॉपिक हो गया आपका कंप्लीट, इसको डब्बे में बंद कर लेना, इसको डब्बे में बंद कर लेना, देखिए ये यूनिट जो है, इस यूनिट में 6 टॉपिक थे, तो 6 टॉपिकों में से आपके 5 टॉपिक जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। मैंने टॉपिक नंबर 3 जो है अभी नहीं पढ़ाया, ये मैं आपको बाद में पढ़ा दूंगा, ठीक है। वैसे आपके जो क्वेश्चन है वो आपको लगभग यहीं से मिल जाएंगे, ये जो 5 टॉपिक हैं उनमें से दोनों क्वेश्चन मिल जाएंगे, अब तक जितने भी आए हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है, वो आप मिला के देख सकते हैं। हालांकि मैं तीसरा टॉपिक भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, लेकिन अभी जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में नई यूनिट स्टार्ट करूंगा, तीसरा टॉपिक पढ़ाऊंगा, वो के बस 2-2.5 घंटे का टॉपिक है, ठीक है, तो वो एक उसके कोई पार्ट वगैरह नहीं है कि तीसरे का ए बी सी ऐसा तो कुछ है नहीं, तीसरा एक सिंगल टॉपिक ही है, केवल 2-2.5 घंटे का टॉपिक है, वो तो कभी भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपकी जो यूनिट है वो आप मेरी तरफ से कंप्लीट मानिए, ठीक है, तो आपको इसके बाद में जो है इस टॉपिक के बाद में आप जितने भी पिछले दस सालों में क्वेश्चन आए हैं उनको आप देखना, उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन है जो अभी अपन ने नहीं किया हो तो उसको देखना, ठीक है। ऐसा तो ये यूनिट जो है कंप्लीट हो गई है, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी, ठीक है, वो नई यूनिट के लिए आएंगी, ठीक है, ओके बच्चों। एक थोड़ा सा संशोधन और कर लीजिए इसमें, थोड़ा सा
कि अब मैंने 29 मिनट के आसपास ये चल रहा था कि इस समस्या में दिगंत से सम्मिति होने के कारण विभव दिगंत से कोण फाई पर निर्भर नहीं करता है। तो मैंने बोला तो यही था कि दिगंत से कोण फाई पर निर्भर नहीं करता है, पर ये लिखने में छूट गया था, नहीं शब्द जो है ये लिखने में छूट गया था। तो आपको कुछ नहीं करना, आप ये लाइन देखिए, आपको ये पूरी की पूरी लाइन जो है मिल जाएगी, ठीक है। उसमें आपको निर्भर और कर्ता इन दोनों शब्दों के बीच में नहीं शब्द और ऐड करना है, ठीक है। तो ये नहीं शब्द आप वहां पर आपको ऐड करना है। 29 मिनट के आसपास आपको ये लाइन लिखी थी अपन ने, तो वहां पर निर्भर और कर्ता के बीच में ये नहीं शब्द जो है वो छूट गया था। वो मैंने बोला तो था, सुनिए उसको, ठीक है, और लेकिन वो जो लिखने में वो रह गया, तो उसको आप अब लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। ओके, ये पूरी लाइन तो लिखी हुई है, आपको केवल नहीं शब्द लिखना है, केवल और केवल नहीं शब्द लिखना है वहां पे। ओके बच्चों,